हेलो फ्रेंड्स मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपसे बात करूंगी मुझे बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं अभी थोड़े दिनों में पूछा कि आप कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको गाय नहीं खाती है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बाउंड्री के बाहर भी कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं जिनके बाहर हमें हेज नहीं लगानी पड़े उनके आगे जाली नहीं लगानी पड़े और वो बहुत खूबसूरती से चलें फ्लारिंग भी करें देखने में भी सुंदर लगें और उनको गाय वगैरह गाय बकरी ये सब उनको नहीं खाएं तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी रहती है मुझे भी शौक होता है तो अब मैंने भी आजकल कुछ पौधे बाहर रखे हैं तो आज मैं उन पौधों की बात करूंगी जो हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं ऐसा नहीं है एक दो ऐसे प्लांट्स हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं मैं करीब करीब आपको पंद्रह बीस प्लांट्स बताऊंगी ऐसे जो आप घर से बाहर की बाउंड्री से बाहर रख सकते हैं और जिनको गाय बकरी बिल्कुल भी नहीं खाएगी तो शुरुआत करती हूँ मैं तो देखिए सबसे पहले आपको ये सुंदर सा पौधा दिख रहा है इसको कहते हैं अडेनियम इसके कितने सुंदर फ्लावर्स ये मौसम है इसके फ्लारिंग का और देखिए फ्लारिंग शुरू हो गई है इसमें कलियाँ आने लग गई हैं तो ये बहुत अच्छा पौधा है घर के बाहर लगाएं हाँ ये अलग बात है कि ये चोरी होने का डर हो तो मैं कह नहीं सकती लेकिन ये पौधा जो है इसको गाय आपको नहीं खाएगी आप इसको बाहर लगाएंगे तो आपका अच्छा चलेगा ये पौधा फिर नेक्स्ट पौधे की बात करूं तो ये देखिए क्लैरोडेंड्रम है ये हेज वाला पौधा होता है हेज लगाई जाती है ना बाहर आप बाउंड्री के बाहर अगर हेज लगाना चाहते हैं तो क्लैरोडेंड्रम बहुत अच्छा प्लांट है ये जो है वो सीट्रस फैमिली का है इसपे व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और ये बाहर के लिए बहुत अच्छा होता है डुरांटा बहुत अच्छा होता है बाहर के लिए पौधा जो आ, हैज वाला दूसरा पौधा होता है ना डोराना प्लांट होता है वो बहुत अच्छा होता है अगर बाहर आपको हैज बनानी हो अभी मेरे पास इस टाइम डुरान्टा नहीं है नहीं तो मैं आपको दिखाती और एक ना मेहंदी होती है ना मेहंदी की हैज भी बनाते हैं ना कई लोग मेहंदी की हैज अगर आप बाहर लगाते हैं उसको भी गाय नहीं खाती है तो ये हैज वाले प्लांट्स तीन जो मैंने आपको बताए हैं इसकी आप बाहर हैज बना सकते हैं इसको बिल्कुल भी गाय नहीं खाएगी तो अब चलिए और पौधों की भी बात करते हैं दिखाती हूँ कुछ पौधे जो मेरे पास हैं और कुछ का मैं आपको नाम बता दूंगी अब लियो देखिए ये पता नहीं पिछले जन्म में ना मुझे लगता है कोई आ, कैमरा का कोई पर्सन ही होगा क्या मतलब कोई एक्टर वैक्टर या कुछ ऐसा ही होगा जी ये कैमरा बहुत कैमरा फ्रेंडली है जब भी कोई कैमरा पे मैं शूट करती हूँ तो देखिए पैर में बैठा हुआ है नहीं तो सामने बैठ जाएगा मतलब इसको ऐसा रहता है कि मैं दिखना जरूरी चाहिए है ना आप कोई ऑनलाइन कुछ क्लास ज्वाइन करते हो कुछ करते हो उसमें भी ये कैमरे के आगे कोई जूम पे क्लास चल रही हो जरूर आके बैठता है ये आगे पता नहीं इसको आदत है योगा क्लास में ज्वाइन करती हूँ उसमें भी आके जरूर बैठता है ये सामने एकदम आके मैट पे बैठ जाएगा योगा मैट पे बड़ी मुश्किल से हटाना पड़ता है कि पता नहीं इसी ने ही एक्सरसाइज कर लेनी है मेरी जगह तो चलिए आपको दूसरे पौधे भी दिखाती हूँ और बात करते हैं ये हमेलिया है देखिए ये बहुत खूबसूरत बड़ा सा एक मतलब स्मॉल ट्री टाइप बन जाता है अगर आप इसको बाहर लगाते हैं और इसमें देखिए ये अभी ये रेड रेड पत्ते हैं ना इसमें बिल्कुल ऐसे फायर रेड कलर के छोटे चुट छोटे फ्लावर्स आते हैं ये देखिए ये ये फ्लावर्स आने शुरू हुए हैं देखिए कि अभी छोटे हैं कलियां आ रही हैं इतना पूरा ये भर जाता है ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई ना आ, अनार ऐसे में अनार का पटाखा है या बहुत प्यारा लगता है जैसे आग से भरा हुआ है ऊपर से ये पौधा इस टाइप से कुछ लगता है और दिखाऊंगी जब इसमें ये पूरे फ्लावर्स आ जाएंगे बहुत मेरा तो छोटा पौधा है ना गमले में है बाहर बड़े गमले में लगाए बहुत खूबसूरत लगेगा कलरफुल एक ये देखिए सेज जो है ये टेक्स सेज है इसमें पर्पल पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं इसको भी बड़े गमले में लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा बुशी प्लांट बन जाता है अभी मेरा तो छोटे गमले में लगा हुआ है और धूप भी बर्दाश्त करता है ये हमेलिया भी धूप बर्दाश्त करता है ये भी धूप बर्दाश्त करता है एकदम पर्पल फ्लावर से ये भर जाता है और सुंदर लगता है और इसको भी गाय वगैरह नहीं खाती हैं ये देखिए पास में ही ये पड़ा है कनेर ओलियांडर कहते हैं ऐसे कनेर को भी गाय नहीं खाती है ना गाय खाती है ना कोई बकरी वगैरह जो भी ये पौधे मैं बता रही हूँ इनको दोनों चीजें ही नहीं खाती हैं और फ्लारिंग तो ये अच्छी करते ही हैं तो देखिए ये तीनों पौधे अच्छी फ्लारिंग करते हैं और इनको गाय भी नहीं खाती है देखिए ये थूजा है देखो फिर आया मैं ये कहती हूं ना ये इसको तो बिल्कुल पास में रहना जरूरी है ये देखिए थूजा जिसको मोरपंखी कहते हैं जूनिपर मतलब थूजा फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं ना जूनिपर आता है गोल्डन जूनिपर आता है थूजा भी दो तरह के आते हैं गोल्डन आता है ग्रीन आता है तो ये जो प्लांट्स है ना इनको आप इस फैमिली के प्लांट्स को बाहर आप लगा सकते हैं इनको कोई नहीं खाएगा हाँ मैंने देखा है पाम्स को खा जाते हैं अगर आप पाम लगाएंगे ना मैंने फिनिक्स पाम अपने बाउंड्री के बाहर लगाया उसको तो गाय रहने ही नहीं देती बिल्कुल सफा चट कर जाती है तो आप वो नहीं लगाए थूजा बाहर लगाए थूजा शुभ में माना जाता है गेट के दोनों तरफ लगाते हैं कहते हैं बहुत अच्छा प्लांट मानते हैं बड़ा सारा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मेरे क्या यहाँ जगह कम है तो मैंने इसको ट्रिम करके पतला कर रखा है देख लो हम पतले नहीं है तो हम पौधे पतले कर लेते हैं देखिये बोगन मिलिया को नहीं खाती है गाय बकरी देखिए अब इसमें फ्लारिंग भी एक बार सर्दी में आई हुई थी ना अब दोबारा से आने शुरू हुई है अब जब इसमें फ्लारिंग आती है ना तो अब इसमें खाद देने की जरूरत है जब भी किसी पौधे पे फूल आने शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब आप उसको बार बार खाद दें हर हफ्ते देखिए मैरीगोल्ड है गर्मियों में जो मैरीगोल्ड होते हैं ना अब ये आप बाउंड्री के बाहर अगर फूल चाहते हैं खूब सारे लगे तो मैरीगोल्ड के पौधे लगा दीजिए इनको गाय नहीं खाती है अच्छा जो बहुत खुशबू वाले प्लांट्स होते हैं ना एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं उनको नहीं खाती है गाय जैसे आप रात की रानी लगा देंगे उसको नहीं खाएगी चंपा में भी फ्लॉरिंग आती है चंपा आ, का पौधा एक ऐसा पौधा है उसको गाय नहीं खाती है आप बाहर लगाए बस थोड़ा सा ये है कि मैंने चंपा के पौधे बाहर लगाए थे तो हमारे गाय है ना उसको बड़ा सा वो आ, ऐसा लकड़ी समझ के उससे ऐसे खुजली पीठ को करती है ना वो पीठ को कर कर करके वो तोड़ देती है अगर आप ऐसी जगह लगाए ना कि उसको खुजली नहीं कर सके गाय तो चंपा के पौधे को गाय खाती नहीं है बिल्कुल भी देखिए विंका का पौधा है जिसे सदा बहार कहते हैं ये अगर आप घर के बाहर लगा देंगे तो फूलों से भी सुंदर लगेगा घर और विंका को भी गाय बिल्कुल नहीं खाती है तो आप अगर फूलों के पौधे लगाने हैं तो मैरीगोल्ड लगाइए विंका लगाइए अच्छा गलाडिया होता है ऐसा गर्मी में एक सीजनल प्लांट उसको गलाडिया कह के, के आप नर्सरी से लेके आए गलाडिया की मैं पुरानी किसी वीडियो में से पिक्चर लगा लगाव भी दूंगी आपको तो गलाडिया जो है वो भी बहुत अच्छे हैं उसको भी गाय नहीं खाती और खूबसूरत भी लगते हैं ये देखिए क्राइजेंथीमम है ये बड़े गोले वाला था ना इसको मैंने कट करके रख दिया अब देखिए इसके छोटे चुट छोटे वो निकल रहे हैं आ, बेबी मतलब स्प्राउट्स निकल रहे हैं और जब जुलाई में इन स्प्राउट्स की कटिंग बना के लगा देंगे या यही पौधा दोबारा से अच्छा ग्रो कर जाएगा और साथ में कटिंग लगा देंगे तो क्राइजेंथीमम भी बाहर अगर आपके लगे हुए हैं तो इनको भी गाय नहीं खाती है बिल्कुल तो मधुकामनी देखिए ये बड़ा पौधा होता है बहुत स्मॉल ट्री बन जाता है अगर आप इसको बाहर लगाएं इसकी छाया में आप कुछ रख सकते हैं इसके ऊपर छोट छोटी छोटी टोकरियां टांग सकते हैं आप हैंगिंग बास्केट अगर घर के बाहर टांगनी हो सुंदर लगेंगी इसको भी गाय बिल्कुल नहीं खाती है इतनी अच्छी खुशबू आती है इसके फूलों की जैसे मैंने कहा जिन पौधों में खुशबू वाले फूल लगते हैं ना वो तो बिल्कुल भी गाय नहीं खाती है तो मधुकामनी देखिए अब इसमें ये कलियां आई हुई हैं देखिए अब फ्लार खिलेंगे देखिए ये देखिए चांदनी का पौधा है अभी इसमें आपको सर्दियां एक तो थी इनका डोरमेंसी और दूसरा ना मैंने इसको यहाँ अंदर रखा हुआ है ममटी के अंदर रखा हुआ है क्योंकि अब मैं इसको नीचे बाउंड्री के बाहर रखूंगी इस पौधे को और अभी यहाँ अंदर भी इसमें देखिए छोटी छोटी कलियां आ रही है अभी इतना फ्लरिश नहीं कर रहा क्योंकि ये अंदर रखा हुआ है अः फुल धूप का पौधा है ये इसको भी बाउंड्री के बाहर रखेंगे सफेद कलर के बहुत खूबसूरत फूल आते हैं इसमें और इसको गाय बिल्कुल नहीं खाती है देखिए ये जेट्रोफा है जेट्रोफा को भी गाय नहीं खाती और मेरा तो ये देखिए बाउंड्री के बाहर ही रखा हुआ है और जेट्रोफा में फ्लावर्स भी आ रहे हैं देखिए इसको भी गाय नहीं खाती है इसकी मैंने बहुत हार्ड प्रोनिंग कर रखी है अब ये दोबारा से बुशी होगा तो जेट्रोफा जो है इसको अब ये नीचे मैंने उगने दिए हैं ताकि ये मल्चिंग का काम भी कर लेंगे अभी गर्मी आ रही है और ये देखिए चाइनीज़ वॉयलेट के कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं ये देखिए ये कनेर है चाइनीज़ वॉयलेट को भी गाय नहीं खाती है अगर फ्लारिंग के लिए लगाना है तो आप बाहर लगा सकते हैं ये देखिए कनेर है और एक ये कनेर देखिए इसमें भी कनेर में फ्लावर्स आ रहे हैं इनकी थोड़ी मैं बाहर केयर नहीं कर पाती हूँ तो ये देखिए और ये कोई बीज गिर गए होंगे देखिए अपने आप से ये भी उगे हुए हैं पिटूनिया उगे हुए हैं इसको भी गाय नहीं खाती पिटूनिया को भी देखिए हमारे यहाँ बहुत गाय आती हैं लेकिन पिटूनिया नहीं खाती हैं पिटूनिया को भी नहीं खाती और यूफोरबिया देखिए देखिए यूफोरबिया को भी नहीं खाती यहाँ यूफोरबिया में ज़्यादा धूप नहीं आ रही है इसलिए फ्लारिंग नहीं आ रही है इसको मैं अभी टॉप टेरेस पे ही ले जाऊँगी यूफोरबिया का प्लांट मैंने यहाँ रख दिया था बाहर तो इसको भी गाय नहीं खाती है क्योंकि कांटे होते हैं तो कोई भी कैक्टस हो यूफोरबिया हो इनको नहीं खाती है यूफोर्बिया इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये इसमें फ्लारिंग भी अच्छी आती है तो यूफोरबिया नहीं खाती है ये देखिए ये टेबूबिया का प्लांट है देखिए कितना प्यारा है सड़कों के किनारे ये कई बार आ, हमारे जयपुर में तो नहीं है कई जगह ये मैंने चंडीगढ़ में देखा था ये प्लांट लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स वाला टेबूबिया का प्लांट है इसमें जो फ्लावर आते हैं ना जमीन में लगा हुआ वो बड़ा पौधा बन जाता है तो इतने फ्लावर आते हैं कि पत्तियाँ नहीं दिखती हैं और सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं इतना सुंदर लगता है ये पौधा इसको भी गाय नहीं खाती है ये देखिए आपको खुद ही दिख रहा है मेरे बाहर पड़ा है बाउंड्री के और कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं और हमारे यहाँ ना अभी हमारे पास में जगह खाली है वहाँ पर दस गायें बैठी हुई थी मैंने अभी भगाई हैं वो पानी डाल के तो ये देखिए ये नहीं खाती हैं ये आपको लाइव मेरा मतलब दिख रहा है कि मैंने ये बाहर रखे हुए हैं और इसको गाय नहीं खा रही है तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स जो मैंने आपको बताए वो आप अपनी बाउंड्री के बाहर लगा सकते हैं उनमें काफ़ी तो फ्लारिंग प्लांट मैंने आपको बताए हैं जिनको गाय नहीं खाती है इनको आप लगाएं और अपनी बाउंड्री के बाहर खूबसूरत गार्डन तैयार करें और देखने में भी अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड्स